हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं ये बैंक निफ्टी का सबसे बेस्ट सेटअप होता है बाइंग साइड का। सॉरी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर ये इस लाइन को क्रॉस कर लेगी तो आपको इसके अंदर ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को मिल सकती है जो इस पॉइंट तक आपको मिलेगी। तो बैंक निफ्टी के अंदर हम ऐसे ट्रेड करते हैं, इसके नीचे इस कैंडल का जो लो है SL लगाइए और आप ट्रेड करिए। ये देखिए, ये लाइव मार्केट चल रही है बैंक निफ्टी की। अगर मैं फर्स्ट में अपना इंडिकेटर लगा दिया है तो ये उसने मुझे बाय करने को अब बोल दिया है। ठीक है दोस्तों, बाय करने को बोला है, थोड़ा वेट करते हैं, देखते क्या होता है। बिकॉज हमारा इंडिकेटर ऐसे बाय नहीं बोलता, बहुत सारी चीज़ें की कंफर्मेशन लेता है, उसके हिसाब से वो बाय या सेल का सिग्नल देता है। बट इसके अंदर भी कमी है जो मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता। आप देखिए ऐसे ब्रेकआउट होता है, इसको बोलते हैं हम डिसेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग। दोस्तों मार्केट से स्कैल्पिंग करके पैसा निकालना बहुत आसान है, बट आपको क्या है, एक अपने सेटअप के लिए वेट करना पड़ेगा। आप किसी भी एक सेटअप में अपने आप को एक्सपर्टाइज कर लीजिए, एक्सपर्ट कर लीजिए और आप देखिए मार्केट से आप कितना अच्छा पैसा निकाल सकते हैं। अगर आप देखेंगे ये मोमेंट्स कितने पॉइंट्स की है, आप देख रहे हैं ये 36,260 से 36,434, तो कम से कम 150 पॉइंट की मूवमेंट है। अब देख के आगे होता क्या है, क्या ये इसको ब्रेकआउट देता है या नहीं। आप देखिए दोस्तों, ये बैंक निफ्टी के अंदर आप इस तरह के सेटअप बना के पैसा कमा सकते हैं। अब देखिए ये है PE का चार्ट। मैं आपको डायरेक्ट, अगर आप देखोगे तो मैं ऑप्शन के सेटअप पे ले आया, ऑप्शन बाइंग सेटअप पे देखते हैं दोस्तों। जैसे ही अगर ये लाइन आप देख रहे हैं, अगर ये ब्रेक हो गया तो मार्केट जो है गिर जाए, मार्केट ऊपर चली जाएगी। बट अगर ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया ना कैंडल, तो मार्केट गिरेगी। अभी आप देखते ही देखिए लाइव मार्केट चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, आप भी हैरान हो जाएगी देख के, मार्केट की मूवमेंट देख के कि हमें कब बाय सेल करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस तो हमारे को मार्केट बुलिश लग रही है, मार्केट बुलिश है, मार्केट का व्यू बुलिश है। यहाँ पे ये मार्केट चल रही है और ये मार्केट का व्यू जो है बुलिश है। बिकॉज आप देखिए ध्यान से, ये एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता जा रहा है और यहाँ से एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट आ चुका है, जिसका क्लियर का मतलब होता है, अगर मैं इसको आपको ये देखिए, ये सिर्फ मार्केट रिट्रेसमेंट ले रहा है। मेरे को अकॉर्डिंग ये मार्केट अभी ऊपर जाएगा। बिकॉज आप ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पे मार्केट अपने को सस्टेन कर रहा है, बट वो VWAP के नीचे है। इसकी जो क्लोजिंग है इस कैंडल की VWAP के नीचे है। ये VWAP की लाइन है, 21 मूविंग एवरेज और 20 है। अगर एक बार VWAP को उसने इस पॉइंट पे छोड़ दिया तो मार्केट जो है ऊपर चली जाएगी और पुट की जो वैल्यू है गिर जाएगी। ये आप हम आपको दिखा रहे हैं लाइव मार्केट में। सुबह दोस्तों हमने आपको सूर्य रोशनी के बारे में बताया था, देखिए सूर्य रोशनी कितना ऊपर चला गया है, 490 का इसने हाई मारा था, कम से कम ये 3.5% बढ़ गया था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।